एक और चीज हुई थी अभिनंदन के प्लेन को गिराने के बाद, वो ये थी कि हमारे फौजियों ने फिर एक और मरतबा दोबारा बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, और जो पाक अफवाज थी, खास तौर पे पाक फजाइया सॉरी, वो गए थे, उन्होंने फैसला किया कि हम जाएंगे वहाँ, और अनअनाउंस्ड वो भी गए इंडिया में और चक्कर शक्कर लगा के उनके बेसिस तक जाकर ऊपर फ्लाई करके वापस आ गए, टारगेट्स को लॉक करके। बिल्कुल, अब वो एक ऐसा पॉइंट था कि जहाँ पर हमने अभिनंदन का प्लेन तो गिरा दिया था, वो हम एक खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ हमने खुद को अपने जहाज़ों को भी जाहिर है और अपने पायलट्स को भी इस रिस्क में भी डाला हुआ था कि वो गए, और जाहिर है उन्होंने भी कहा होगा कि हम जाते हैं और हम उनको बताते हैं कि हम आ सकते हैं। अब वो टेंशन जो थी जब तक वो वापस आ नहीं गए, उस टेंशन के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या कंसर्न थी अथॉरिटीज, आप लोग क्या मतलब, जाहिर है हमें जब पता चला कि इस तरह वो गए तो हमने दुआएं की, जब तक ये कंफर्म नहीं हो गया कि वो वापस आ गए खैर वाफियत से, तब तक पूरी कौम दुआएं कर रही थी उनके लिए, आप लोगों के क्या कंसर्न थे उस वक्त? पहले तो एक थोड़ी चीज़ सही कर दूँ, अभिनंदन उसी जब हमने अटैक किया उसी का हिस्सा था, ठीक है, उसमें वो डिफेंस के लिए आया था और उसको वहाँ पे गिराया गया था, तो उसमें हमारे अटैक का हिस्सा था, वो डिफेंस करने के लिए आया था और उसको हमने उस टाइम पे शूट डाउन किया था हमारे जहाज़ों ने, क्योंकि वो हमारे जहाज़ों की तरफ आ रहा था। सही जी, यही था कि हमें फिक्र थी कि सब के सब जहाज़ वापस आ जाएँ, और जब तक सबका काउंट पूरा नहीं हो गया कि सब जहाज़ वापस आ गए हैं, सांस हमारी थोड़ी सी। वो टोटल कितने थे, दो थे या चार थे इसके? हमारे हमारे जो वहाँ गए थे, हमारे तो तकरीबन 20 के करीब जहाज के, 20 से ऊपर जहाज गए थे वहाँ पे, 20 जहाज जी, मतलब अच्छे खासे, हाँ, यानी कि 20 ट्रेंड, फुली ट्रेंड, केपेबल पायलट्स। तो हम जब तक सब काउंट नहीं कर लिए कि जी सब वापस आ चुके हैं, तो उस वक्त तक वो ऑब्वियसली सांस उस तरह बहाल नहीं हुई, लेकिन जब पता चल गया सब वापस आ चुके हैं तो फिर खुशी भी बहुत हुई। ये जब क्योंकि एक कॉम्बैट का जो एक पूरा सिनेरियो होता है ना, कि आपके सामने एक जहाज आ गया है दुश्मन का, और हम तो चूंकि किताबों में पढ़ते हैं या फिल्मों में देखते हैं, तो हम उस वक्त को एनालाइज कर नहीं सकते कि वो कितनी देर का ये काम होता है कि आप इस ऑपरेशन में गए हैं, आपने जहाज को गिराया है, ये स्प्लिट सेकंड्स में होता है। हमारी पाक फजाइया की सारी कहानी सेकंड्स के लिहाज से होती है, मेरे ख्याल से हम डिसीजन भी सेकंड्स के लिहाज से करने के आदी हैं, क्योंकि हम ट्रेंड ही इस तरह होते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सेकंड्स की बात होती है, ये सब कुछ एपिसोड मेरे ख्याल से 3 से 4 मिनट से ऊपर नहीं हुआ।